हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे किसी भी मामले में अगर आपके खिलाफ NBW अर्थात गैर जमानती वारंट कोर्ट द्वारा पारित कर दिया गया हो, आदेशित कर दिया गया हो, जारी कर दिया गया हो, तो आपको क्या करना चाहिए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर आपके खिलाफ धारा 82-83 अर्थात आप समझ गए होंगे अगर आपके खिलाफ मुकदमा चल रहा हो, 82-83 का क्या मतलब है, CRPC की धारा 82-83 की मैं बात कर रहा हूँ, अर्थात कुर्की का आदेश अगर आपके खिलाफ हो गया हो, आपको भगौड़ा घोषित किया गया हो या आपको कोर्ट फरार घोषित कर दी हो, फरार समझ रही हो, तो आपको करना क्या चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर आपके खिलाफ NBW जारी हुआ है तभी आप अपने वकील के साथ मिलकर ये बात कर लीजिए कि मैं किस तरह से क्या काम करूं कि मुझे जेल न जाना पड़े और कुर्की का भी आदेश न हो, क्योंकि NBW के बाद कुर्की अगर आप फरार है लगातार। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर NBW भी है, कुर्की भी है, तब क्या करना चाहिए। अगर आपको भगोड़ा घोषित कर दिया गया, आप फरार चल रहे हैं, तो आपको करना क्या चाहिए, कोर्ट में फेस कैसे करना होगा। सबसे पहले तो आपको NBW का आदेश निरस्त कराना पड़ेगा, अर्थात उसके बाद वारंट रिकाल एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, फिर बेल एप्लीकेशन देना पड़ेगा। इसके बारे में डिटेल्स मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि डिटेल से NBW से रिलेटेड वीडियो, ढेर सारे वीडियो मेरे YouTube चैनल SP72 कानून पे मौजूद हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं या फिर सर्च करके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कुर्की का आदेश होने के बाद आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये सवाल उठता है कि कुर्की का NBW हो गया, गैर जमानती वारंट हो गया, तो भी आप नहीं आए कोर्ट, उसके बाद कुर्की का आदेश हो गया, क्या तब भी नहीं आएंगे? तब तो साहब फिर नीलामी हो ही जाएगी आपके सर सामान, घर द्वार सब चीजों की, और कुर्क की गई संपत्ति राज्य सरकार के अधीन हो सकती है, हो जाएगी, और राज्य सरकार जब चाहे उसे बेच भी सकती है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, गैर जमानती वारंट जो हुआ है आपको उसको निरस्त कराना चाहिए, वारंट रिकाल कराना चाहिए, बेल कराना चाहिए, और जो कुर्की का आदेश हुआ है आपको अपील करना पड़ेगा कि किस कारण से आप कोर्ट में अपीयर नहीं हुए, किस कारण से आपका मुकदमा यहां तक पहुंच गया। अगर इन सब चीजों को या बेल एप्लीकेशन को, वारंट रिकाल एप्लीकेशन को अगर आपको नहीं आता कि किस तरह से लिखें, खासतौर से नए अधिवक्ताओं को ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है, या इस तरह के मामले को कैसे हैंडल करना है, अगर इसके बारे में जानकारी आपको चाहिए होगी तो हमारे YouTube चैनल पे हमारा मोबाइल नंबर पड़ा है। अगर वहाँ से नहीं मिल पा रहा है किसी भी तरीके से तो मैं बता दे रहा हूँ 9415-5757-45 इस पे फोन करके आप A to Z क्रम वाइज जानकारी आप ले सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे बात होगी, एक एक सिस्टम के साथ मैं बताऊंगा कि किसके बाद क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है, एक एक जानकारी आपको बराबर मिलती रहेगी और मिलेगी। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, YouTube चैनल SP72 कानून को जरूर सब्सक्राइब।